हेलो गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। तू मेरे लायक नहीं ये बोल के लड़की छोड़ गई लड़के को, और उसके बाद जब लड़के ने किया जो ऐसा काम, उसके बारे में जान के हो जाएंगे आप हैरान। और आपके लिए एक ऐसे मोटिवेटिव ये स्टोरी है जिसके बारे में जान के आप भी काफी ज्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। चलिए जानते हैं वो लड़का कौन है, कहाँ से ये खबर आई है, और बेवफाई के बाद उसने क्या सब चीजें कर दिखाई है, उसके बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। हमारे सामने ये मामला गाजियापुर से आ रहा है, जहां पर अमित वर्मा नाम का एक शख्स रहता है। बोलते हैं कि प्यार तो हर कोई करता है, पर निभाने की तरीका होना चाहिए कि आप निभाते कैसे हैं। कभी कभार ऐसे ऐसे इंसानों से आप प्यार कर लेते हैं जबकि वो सामने से आपकी कदर तक नहीं करते। यहाँ पर अमित वर्मा ने भी ऐसी लड़की से प्यार किया था जिसने उनको काफी धोखा दिया, और जब भी वो शादी की बात करते थे तब लड़की उल्टा यही बात बोलती थी कि तुम मेरे लिए लायक नहीं हो। इतनी बात बोलते बोलते वो लड़की उनको एक दिन छोड़ के ही चली गई, और उसके बाद अमित वर्मा के जो दिल पे बीती, और उसके बाद उन्होंने ठाना कि कुछ ना कुछ तो बनना है, और उन्होंने एक्चुअली जज बनने के लिए उन्होंने एग्जाम्स दिए, और उसके बाद वो एग्जाम्स में क्लियर उन्होंने हासिल किया, और उसके बाद अभी जज भी बन चुके हैं, वो भी गाजियाबाद में। और उसके बाद उनसे जब बात की गई तब उन्होंने एक शायरी सुना दी। उन्होंने बोला कि बेवफा तो वो थे और उनके पीछे एक्चुअली डूब रहे थे हम दोनों ही, पर वो बचना चाहते थे और हम बच गए और हम पार लग गए और डूब गए वो। और ये सब चीजें सुनते हुए बस यही पता लगता है कि कभी कभार आप जो चीजें करते हैं आपको लगता है कि आप समझदार हैं या आप सब चीजें कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा गलत होते हैं, जैसे कि वो लड़की काफी ज्यादा गलत थी। आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है जहां पर आपको लगा है कि वो बेवफा है? अगर हाँ तो बेवफा करके कमेंट जरूर कीजिए, और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।